शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सप्ताहांत में शिकागो के सोयाबीन वायदे में और तेजी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों ने कहा है कि प्रमुख आपूर्तिकर्ता ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में गंभीर सूखा पड़ने के कारण उत्पादन में कमी आने की आशंका से सोयाबीन वायदा साप्ताहिक आधार पर लगातार चौथे सप्ताह भी तेजी की ओर बढ़ रहा है। चालू सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन मलेशियन पाम तेल वायदा में मंदी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों ने कहा है कि मुनाफा वसूली बिकवाली निकलने तथा चालू फरवरी महीने के आरंभी 10 दिनों में निर्यात तुलनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण पाम तेल में नवीनतम मंदी दर्ज की गई है। हल्के तेलों की मांग बढ़ने और शिकागो एक्सचेंज में तेजी रहने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बिनोला, सोयाबीन और पाम ऑयल तेल की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया है। वहीं मांग घटने से सरसों तेल की कीमतें घट गई हैं। खाद तेल और तिलहनों की कीमत पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों से इन जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को ये जानकारी दी गई है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। ग्राहकी कमजोर होने के कारण हाल ही में जोधपुर मंडी में ग्वार गम के 500 रुपए प्रति क्विंटल टूट गए हैं। भविष्य में और ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है। उद्योगिक मांग के साथ साथ निर्यातकों की पूछ परख कमजोर होने के कारण 10 दिनों के अंतराल में जोधपुर मंडी में ग्वार गम के भाव 500 रुपए घटकर 11,500 से 11,600 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। देश में बाजरा का निर्यात बढ़ रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बाजरा का निर्यात 201 करोड़ रुपए अधिक रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का बाजरा निर्यात बढ़कर 2,70,00,000 से 70,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 201 करोड़ रुपए बढ़ा है। देश में चीनी का उत्पादन बढ़ा है। अक्टूबर 21 जनवरी से 22 जनवरी में देश में 5.64% चीनी का उत्पादन बढ़ा है। 507 मिलों में 1.87 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ है। अमेरिकी सोयाबीन वायदा में जोरदार तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी सोयाबीन वायदा 35 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी सोयाबीन वायदा अब तक $1,610 तक कारोबार करता दिखाई दे चुका है। ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई की चिंताओं के बीच सोयाबीन की कीमतों में तेजी आई है। बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में भारी कमी देखी जा रही है। वहीं सभी मसालों के दाम बढ़ गए हैं। मुंबई के लालबाग मसाला बाजार के व्यापारी के अनुसार पिछले साल नवंबर दिसंबर में तैयार फसल के दौरान हुई बेमौसम बारिश ने मिर्च और अन्य मसाला फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ब्यूनोस एयर्स ग्रेन्स एक्सचेंज ने सीजन 2021-22 में मक्के के संभावित उत्पादन के अपने पूर्वानुमान में कटौती कर दी है। एक्सचेंज ने पूर्व में व्यक्त किए गए 5.70 करोड़ टन मक्की उत्पादन के अपने पूर्वानुमान को अब घटाकर 5.10 करोड़ टन कर दिया है। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।